की तरफ जो है ना, बाहरी कॉलोनियों की तरफ या अंदर सेक्टर्स की तरफ भी करेंगे, जी तो जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो पोल खुल जाएगी। बिल्कुल, युवाओं से मिलोगे तो लोग गाड़ियां देते हैं, युवा गाड़ी देते हैं मिलेंगे कि किस प्रकार से उनको आज जो है ना इन्होंने जो है ना लूटने का काम किया, इन्हें बरगलाने का काम किया, वो ठतियाने का काम किया। अगर आप छोटे व्यापारी से जाकर के मिलेंगे तो वो भी आपको ये बात कहता हुआ नजर आएगा कि भाई 60% व्यापार खत्म हो गया, चौपट हो गया। आज हर वर्ग सड़कों पर है और इतनी लोकतंत्र का हनन जो ये सरकार कर रही है, पीछे तो आपको देखा है, आपने देखा ही होगा कि सरकार चुनाव से ही भाग रही है। बिल्कुल, कि वो डर रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी फजीयत होनी है, तो लोकतंत्र को भी धत्ता कर रहे हैं, संविधान को का जो है ना धत्ता बता रहे हैं कि जो चुनाव होना चाहिए उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाला समय आप खुद देखेंगे कि जो ये चुनाव है वो चुनाव ये इस सरकार की पोल खोलने का काम करेगा। सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये मेरा अभिप्राय आपसे ये है कि यदि आप इनेलो और बसपा गठबंधन की बात करते हैं, एक मजबूत गठबंधन मानेंगे आप इसको, लेकिन यदि इनेलो परिवार की फूट, आपने पता है अभय चौटाला और दुष्यंत के बीच में जो इनेलो परिवार की जो फूट है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है आज के दिन, तो ऐसे में क्या लगता है भाजपा और बसपा का जो गठबंधन है क्या यह कामयाब हो पाएगा? देखिए, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो तो टूट है, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। लगातार हमारे नेता जो है ना एक ही मंच पर साझा कर रहे हैं और लगातार लोगों के अंदर इसका जनाधार बढ़ रहा है। बात रही आपसी फूट की, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो है इसको ज़्यादा तूल दे रहे हैं, कांग्रेसी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो तो चाहते हैं क्योंकि हमारा इतना बड़ा ग्राफ बढ़ गया, जिस ग्राफ की वजह से इनको आज प्रॉब्लम्स हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल बहुत भारी बहुमत से आएगी। गोहाना रैली के अंदर आप लोगों ने देखा, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पारिवारिक होंगी, तो उसके अंदर परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, वो अपने आप उस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से उस चीज़ को, कहीं अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर किया जाए। अदरवाइज तो ये जो है कांग्रेसियों ने और इन लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रचार करके एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दिया कि आज तो इंडियन नेशनल लोकदल में फूट है। आज कांग्रेस अपनी फूट को नहीं देख रही कि कहाँ कहीं अशोक तंवर साइकिल पे चल रहा है, कहीं जो है ना सुरजेवाड़ा अपना अलग डपली बजा रहा है, कहीं किरण चौधरी अलग डपली बजा रही है जो है ना कांग्रेस, कहीं भूपेंद्र हुड्डा अलग से अपनी रथ यात्रा चला रहे हैं। आज अभय यादव सरेआम उनके खिलाफ जो है ना कुछ भी बोल देते हैं, तो हर तरफ जो है ना इस प्रकार का माहौल ये लोग दिखाने के लिए जो है देखने के लिए आपको मिलेगा। परंतु तो हमारा एक परिवार है और इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा है, इसके अंदर कोई ऐसी बात ना आपको देखने को मिलेगी। मेरा तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है वो इस बार 2019 के चुनाव में सत्तासीन होगा और कमेरे की किसान की सरकार। बिल्कुल सर, एक और प्रश्न मेरा आपसे यह है कि वैसे तो जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता है, तो यहीं यदि जींद के विकास की हम बात करते हैं, शायद विकास नहीं हो पाया अभी तक जींद में जी, तो ऐसा क्या रीजन मानते हो आप? अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी यहीं से रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में क्या बताना चाहेंगे आप अभी जो जींद का विकास है उसको लेकर के आपका नेक्स्ट क्या कार्य रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल का जींद जो है गढ़ है और ये गढ़ बता देगा इस उपचुनाव में। परंतु हमेशा बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्रालय हैं, आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, बिल्कुल रणदीप सिंह कैबिनेट मंत्रालय में रहे हैं, अपने जो है गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन आज ही के दिन हम ऐसे दिन पे बैठे हैं 1966 को देश हरियाणा के अंदर जो है ना पंजाब और हरियाणा अलग हुए, हरियाणा का जन्म हुआ। उस जन्म होने के टाइम पर जो है जींद जिला पहला जिला था 7 जिलों में से, लेकिन आज इसकी ऐसी दयनीय स्थिति है, 7 जिलों में छोड़िए आप 22 जिलों की अगर बात करते हैं तो कैथल भी हमारे से आगे निकल गया। बिल्कुल, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं कहूंगा तो राजनीतिक बात लगेगी, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि मैक्सिमम समय किसके पास सत्ता रही, किन लोगों ने बड़ी बड़ी मलाइयाँ खाई, लेकिन आज कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर इस प्रकार की बातें भी देखने को मिलती हैं कि आज मैंडेट दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने भी इस जिले को इसी प्रकार अछूता कर दिया, कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर दिया। आज तो कुछ गलियाँ फाड़ रखी हैं क्योंकि आज चुनाव उपचुनाव होता नजर आ रहा है, आज मुख्यमंत्री बीच बीच में घोषणाएं करके जा रहा है, वही बार बार घोषणाएं कर रहे हैं,
एक घोषणा